हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता, और साथ में बनाएंगे एकदम तीखी चटपटी सी चटनी। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने आधा कप से लिया है साबूदाना, जो छोटे वाले दाने होते हैं ना, वो वाला लिया है। इसको अब हमने धो लेना है 102 बार अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना को अच्छे से धो लिया है। अब थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसको हम ढक के रख देते हैं साइड में, और तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो अब यहाँ दूसरा बर्तन एक ले लिया बड़ा, और इसमें 1 कप से मैंने डाल दिया है सूजी, साथ ही इसमें 1 कप से डाल दिया है दही, और इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसका एक घोल बना के हमने तैयार करना है। तो पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सूजी भी हमारे अच्छे से घुल गई है, बढ़िया सा ये बैटर रेडी हो गया है। इसको भी हम 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। तो जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ आधा कप मैंने ली है मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली, और 2 चम्मच से मैंने टेबल स्पून से ले लिया है नारियल, नारियल का बुरादा लिया है, और टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा यहाँ पे अदरक और लहसुन डाल देंगे, और खट्टे के लिए मैंने यहाँ पर कच्चा आम ले लिया है। आजकल बहुत ही बढ़िया है, सीजन में है, तो इसे ज़रूर से खाएँ, बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से चटनी। इसको मैंने सूखा ही बिना पानी के ही एक बार पीस लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है, और अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, और अब इसमें हम थोड़ा सा तड़का डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से तेल डाल दिया तड़का पैन में, थोड़ी सी राई डाल दी, करी पत्ता डाल दिया, और ये तड़का हमारा रेडी हो गया। ये मैंने डाल दिया चटनी के ऊपर, और ये हमारी बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी चटनी बनके रेडी हो गई है। और जो सूजी वाला बैटर था उसको रखे हुए भी 10-15 मिनट हो गए हैं, अच्छे से फूल गया है। तो इसको मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जो साबूदाना मैंने रखा हुआ था वो भी अच्छे से फूल गया है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, बढ़िया से इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही डाल दिया है हरा धनिया, थोड़ा सा डाल दिया करी पत्ता, और अच्छे से इसको भी इसमें मिला लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, आप एक बार बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आप सबको। और यहाँ पे मैंने 1/4 छोटी चम्मच से खाने वाला मीठा सोडा इसमें डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं फटाफट से एकदम अच्छे से मिला लूँगी। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया नाश्ता बनाने के लिए। और इसको बनाने के लिए मैंने आज लिया है इडली वाला स्टैंड, और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इसको अच्छे से चिकना कर लिया है, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे इस तरीके से, हल्का सा इस तरीके से टैप कर देंगे, और इसको लगा देंगे इडली वाले स्टैंड में। आपके पास अगर इडली वाला स्टैंड नहीं है तो आप छोटी छोटी कटोरियों में भी इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिया है, इसको हम चढ़ा देंगे अब पकने के लिए। यहाँ पे पानी हमारा पहले से ही उबल रहा था, और ये मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको 15 मिनट के लिए हमने पकने देना है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है, देखने में ही एकदम लग रहा है। फिर भी हम एक बार टूथपिक डाल के देख लेंगे, एकदम टूथपिक हमारा साफ निकल रहा है। तो हमारी इडली बहुत अच्छे से पक चुकी है, इसको हल्का सा ठंडा करके निकाल लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी और साथ के साथ एकदम हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्पंजी, बहुत ही अच्छे से ये पका है अंदर तक, और बहुत ही बढ़िया बना है। तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर हल्का सा तड़का लगा के भी आप इसे खा सकते हैं। तो मैं इसको तड़का भी लगा रही हूँ थोड़ा सा। तो इस तरीके से एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल या घी, बटर कुछ भी डाल दीजिए, थोड़ा सा राई डाल देंगे, जीरा, हरी मिर्च, और साथ में करी पत्ता, अच्छे से इसको तड़क जाने देंगे।
और इसको आप जैसे रात में आप इडली बना रहे हैं, थोड़ी सी इडलियाँ बच जाती हैं, तो आप इसे सुबह इस तरीके से फ्राई करके खा सकते हैं और आप इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है और खाने में सच में बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे तो फ्राई करके खाइए या फिर आप बिना फ्राई किए खाइए, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप इसे ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही जल्दी से ये बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी इडलियाँ भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।